नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा है कि भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना आवश्यक है। उन्होंने बूथ इकाइयों के गठन पर जोर देते हुए कहा कि यह कार्य संगठन की रीति नीति को ध्यान में रखकर करना है। इस दौरान जिला सहायक चुनाव निर्वाचन अधिकारी रामानंद दीक्षित ने शुरुआत में कार्यशाला में संगठन की प्रस्तावना रखी। मंडल चुनाव अधिकारी कपिल वैद्य ने भी अपने विचार व्यक्त किए और संगठन पर्व पर मंडल चुनाव के बारे में बताया। संगठन के महत्व और उसकी संरचना पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि संगठन की रचना पार्टी की मूल विचारधारा को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। कार्यशाला में सदस्यता अभियान के जिला संयोजक शशिकांत बोरा ने भी अपने विचार व्यक्त किए, संगठन पर प्रकाश डाला, प्रत्येक बूथ पर सक्रिय सदस्य बने और बूथ समिति का गठन करने पर विचार रखा। इस दौरान विधायक देवी सिंह शेखावत, शशिकांत बोरा, रामानंद दीक्षित, सज्जन मिश्रा, कपिल वैद्य, नरेंद्र चौधरी, जगदीश सूद, सुभाष भैरूलाल, बाबूलाल, रिंकू ग्वारिया, प्रभुदयाल एडवोकेट, विजय कुमावत सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। और जितने भी भाई मंडल अध्यक्ष या जो भी बनने का पदाधिकारी इच्छा रखते हैं, उनका अपना मापदंड होना चाहिए। जितने ज्यादा संख्या होगी उतनी ही ज्यादा प्रभावी होंगे किसी भी पद के लिए। तो मेरा आग्रह है कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेंबर बने। आज से जब इससे पिछला जब संगठन का चुनाव था 2015-16 के बाद, उस समय मैंने 5,000 से ज्यादा यानी 5,600 के आसपास मिले अकेले में सदस्य को। तो अभी भी समय नहीं मिलता, लेकिन फिर भी 1,000 अब 3,000 के आसपास मुझे सदस्य है। लेकिन फिर भी ये क्या है कि सारे मंडल की एक संख्या पूछता हूँ तो ऐसा लगता है कि थोड़ा ये कैसे बताने में ज्यादा होती है गिनने में बीमारी। तो मेरा आपसे आग्रह है कि सदस्य बनाने का काम इसमें और तेजी लाने की जरूरत है और आप सभी सहयोग करें। चाहे दिन के 20 सदस्य बनाए तो हम अपना उद्देश्य है उसको प्राप्त करेंगे और हमारी पर्याप्त संख्या होगी। पिछले 12 माह में जो यहाँ कार्य हुए, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो कार्य हमने करने की कोशिश की, हमारा ये उद्देश्य है कि यहाँ की शांति व्यवस्था जो यहाँ की पब्लिक है उसे अमन चैन सबसे पहले चाहिए, तभी जीतेगा। हमारे यहाँ 4 थाने भी आपके बीच में कार्यरत हैं और चारों थानों में मुझे लगता है कि आपको जितनी शांति चाहिए उतनी व्यवस्था कायम। आपको लगता है शांति है, सालों व्यवस्था ठीक है। डेवलपमेंट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग आज की तारीख में कुछ काम हो गए, कुछ होने हैं। 40-45 करोड़ इस बजट में हमारे लिए यहाँ घोषणा हुई है। उसके अलावा 10-12 करोड़ की सड़कों के कार्य अलग चल रहे हैं। 3 करोड़ का हमने ये बजट नारायणपुर हॉस्पिटल के लिए पास किया है। 75 लाख हमने यहाँ जो बड़ी पुरानी बिल्डिंग है जिसमें तहसील चलती है वो पुराना बाजार बना रहे, इसके लिए 75 लाख रुपये 76 लाख रुपये उसके लिए पास किए हैं। और भी विकास कार्यों में हम कमी नहीं आने देंगे। जितनी सड़कें जो लेवल से पक्की होनी है और पक्की से किसी का सुदृढ़ीकरण होना है, ये परिवार जैसी व्यवस्था सारी होती है। अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छे से हमारी पार्टी आजकल संभालती नहीं और सब जो है